प्राणायाम करने से पहले हमें मुद्रा लगाना सीखना होगा और अपने जो हमारा फिंगर जो हमारी उंगलियां हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारी पांच उंगलियां पांच चीजों को डेडिकेट करती हैं, अग्नि, वायु, स्पेस, पृथ्वी और जल। जब हम प्राणायाम लगाते हैं तो विभिन्न प्राणायाम करते हैं तो हम विभिन्न मुद्राएं का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ये है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए हमारा जो अंगूठा है वो हमारे इशारे की उंगली के नाखून से टच करता है और तीनों उंगलियां सीधी होती हैं। इस मुद्रा को हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। और जब हम दोनों उंगलियां जो हमारी छोटी उंगली है और जो हमारी एंगेजमेंट फिंगर की उंगलियां होती है इसको जब हम इस प्रकार करते हैं तो ये होता है हमारा प्राण मुद्रा। और जब हम अपनी छोटी उंगली से अपने अंगूठे को और तीनों उंगलियों को सीधा करते हैं तो ये होता है वरुण मुद्रा। और जब हम अपने एंगेजमेंट फिंगर रिंग फिंगर को सीधा करते हैं तब ये होता है पृथ्वी मुद्रा। और जब हम इस तरीके से करते हैं तो ये होता है हमारा अग्नि मुद्रा। तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार का मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम प्राणायाम शुरू करेंगे तो हम इस मुद्रा जब हम इस तरीके से बैठेंगे और जब हम अपने अंगूठे को सटाएंगे तो ये होता है हमारा ध्यान मुद्रा। और इस तरीके से जब हम बैठेंगे तो ये होता है ज्ञान मुद्रा। तो आज हम कॉन्सेंट्रेशन ज्ञान मुद्रा की मुद्रा में करेंगे। ज्ञान मुद्रा की मुद्रा में जब हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे तो हमारा जो अग्नि को जो हमारा अंगूठा डेडिकेट करता है इस अंगूठे को वायु से हम टच करते हैं और तीनों उंगलियां हमारी सीधी रहती है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो अंदर की अग्नि है वो अंदर की अग्नि शांत हो जाए, क्योंकि केवल आग को शांत वायु करता है। उसी प्रकार से जो नेगेटिव एनर्जी है जो अग्नि है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है उसको हम ज्ञान मुद्रा के द्वारा शांत कर सकते हैं और हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर और बढ़ सकता है। तो चलिए हम सभी मिलकर के आज प्राणायाम शुरू करते हैं।